क्या हाल है दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ एक और वीडियो लेकर। ये मेरी पहली अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाली है यार, और टाइटल आपने पढ़ लिया होगा। मैंने अभी एक रिसेंटली एक लैपटॉप मंगाया है, MSI GL639SD। एक्चुअली ये ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, मैंने दिल्ली से मंगाया किसी के थ्रू, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जो इसका प्राइस है उसमें काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशंस मिल जाती हैं आपको, तो मैं सोच रहा था उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो कर देते हैं यार। ये अनबॉक्सिंग वीडियो यार सिर्फ दिखाने के लिए है, कोई ऐसा नहीं, मैं यूज़ कर चुका हूँ लैपटॉप, मैं खोल वोल के सब कुछ, मैं दोबारा पैक कर दिया मैंने इसको। लाओ बेटा चक्कू को ले आओ, फिर पेपर कटर से ले आओ, तो शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। 12 से यार मेरा पेपर कटर दियो जरा, क्या पेपर कटर नहीं है, चक्कू ही दे दे। ये आ गया हमारा चक्कू, रिएक्शन खराब हो गया तो यार। चलो अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। हमारा चाकू, हमारा चाकू खोल लेते पहले। ये कुछ इस तरीके से हमारा, ये हमारा कुछ ब्लैक कलर का MSI का बॉक्स, ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा आपको। डब्बे की क्वालिटी काफी अच्छी है, और जो जो ये वाला डब्बा है ना, इसका पता क्या करना है आपको, ऐसे पकड़ना इसको, और ऐसे पकड़ना। चलो आगे बढ़ते हैं यार अनबॉक्सिंग की तरफ। सबसे पहले ये हमारा MSI का बॉक्स है, ट्रू गेमिंग, एज यू कैन सी ट्रू गेमिंग, ये मॉडल लिखा है इस तरफ, ये आपका मॉडल आ गया इसके अंदर, MSI GL639SD, जिसकी MRP है वो है 1,20,000, बट ये मुझे 95,000 में पड़ा है। तो उसका बॉक्स खोल लेते सबसे पहले ऐसे करके, ये कुछ इस तरीके से इसके अंदर हमारे को मिलेगा, ये कुछ कॉर्ड, इसको भी साइड रखते हैं। ये हमारा पावर अडाप्टर, इसको भी अभी के लिए साइड रखते हैं। तो मेन थिंग, लेट्स जंप टुवर्ड्स दिस मेन थिंग, ये रहा हमारा लैपटॉप। कुछ ये कागज पत्तर मिल जाएंगे इसमें आपको, जिसका कोई काम नहीं है हमारे को, हमको सब पता है, हमको सब पता है कैसे लैपटॉप यूज करना, सब पता है हमको। इस डब्बे को भी साइड फेंकते हैं, ओ गिर गया। तो ये आ गया हमारा लैपटॉप, कुछ इस तरीके से पन्नी देखने को मिलेगी, ये पन्नी को साइड रखते हैं अभी। अरे कहाँ भागी जा रही, ये लैपटॉप इसको खोला, और कुछ इस तरीके से इसके अंदर ये देखने को मिलेगा, जो कि हर एक नए लैपटॉप में देखने को मिलता है आपको ये चीज। तो ये रहा हमारा कुछ इस तरीके से दिखता हमारा लैपटॉप, जहाँ पे ये आपका i7 9th generation GeForce GTX, इसके अंदर 1660 Ti है, 16 सीरीज जो है इसकी, कूलर बूस्ट 5, जॉइंट स्पीकर, ये वो। और ये देख रहे होंगे आप थोड़ा सा मैला मैला लग रहा है, एक्चुअली क्या है, इस पर लेमिनेशन मैंने खुद ही कर दी थी, तो वो जैसी भी हुई। ये जो इसका बैक पैनल है, इस पर आपको MSI का लोगो देखने के लिए मिलता है, जो कि लाइट करता है, ये एक्चुअली लाइट करता है। और जो ये स्ट्रैप्स हैं, ये बेसिकली लाइट्स नहीं है, बट ये एक स्टिकर है, बट ये लाइट की तरह फील करता है कि हाँ इस पे दो लाइट्स लगी हैं। तो लेट्स टर्न ऑन दिस, ये इसके कीबोर्ड, ये सिंगल कलर कीबोर्ड है, RGB नहीं है, यूजुअली लैपटॉप्स में RGB कीबोर्ड दिखता है, जिसमें मल्टी लाइट्स होती है जो आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। देख रहे हो स्पीड, देख रहे हो मैं एक लैपटॉप की, पूरा एकदम ऑन हो गया 3-4 सेकंड के अंदर अंदर। वेनम रख दिया तुम्हारे भाई ने नाम, वेनम, ये ऑन हो गया हमारा लैपटॉप। ये देखो यहाँ पे ये जो लाइट जो है ये ब्लिंक कर रही है, पहले ये ऑफ थी। तो मैं जरा इसके पोर्ट्स वोर्ट्स दिखा देता हूँ। इसके अंदर आपको एक लैन पोर्ट देखने को मिल जाता है, एक HDMI पोर्ट है, एक मिनी डिस्प्ले पोर्ट है, कि हाँ अगर आपको स्ट्रीमिंग या डुअल स्क्रीन ट्रिपल स्क्रीन करना हो तो उसके लिए बहुत बड़ी ऑप्शन है, आपको मिनी डिस्प्ले पोर्ट मिल जाएगा। USB 3.0 टाइप सी, थंडर बोल्ट नहीं है यार, थंडर बोल्ट नहीं मिलेगा, नॉर्मल टाइप सी है इसके अंदर। और एक हेडफोन जैक और माइक का जैक अलग से, तो जैसे कि गेमिंग लैपटॉप है आप अलग से माइक लगा सकते हो इसके अंदर, वो एक अलग बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको स्ट्रीमिंग करनी है, आपको अलग से माइक लगाना है, तो उसके लिए ऑप्शन है, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। दूसरी तरफ इसके पोर्ट्स देख लेते हैं,
दो USB 3.0 मिल जाएंगे, एक ये मैक्रो कार्ड का पोर्ट है इसके अंदर, और ये आपका चार्जिंग पोर्ट हो गया। बहुत डिसेंट लुक है यार इसकी, और ये प्लास्टिक बिल्ड है, प्लास्टिक भी ठीक ठाक क्वालिटी का है। और अगर बैक से देखें तो कुछ इस तरीके से आपको इसकी वेंटिलेशन देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे ये सब ओपन एरिया है, जो कि जब जैसे आप ज़्यादा हैवी यूसेज करोगे तो फैंस वगैरह रन करते हैं, तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है कि वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए। गेमिंग लैपटॉप में यही मैटर करता है, अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, गेमिंग कर रहे हो, तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। इसमें दो फैंस हैं, एक इस तरफ एक दूसरी तरफ, और जो इसके आउटफ्लोज हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। जब फैन रन करेंगे तो आपका जो एयर फ्लो होगा वो इस तरफ से बाहर आएगा, और वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है, तो गेमिंग में परफॉर्मेंस अच्छी मिलने वाली है। तो यार गाइज, इसके गेम प्ले रिव्यूज़ और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है उसकी वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। और यार ये मेरी पहली अनबॉक्सिंग वीडियो थी यार, तो भी जो भी थोड़ा बहुत यार लग रहा होगा कि हाँ एंगल सही नहीं है या अनबॉक्सिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही यार, थोड़ा सा यार माफ़ कर दो भाई को, भाई तुम्हारा भी नया नया यार, करेंगे धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे, आपका प्यार ऐसे मिलता रहेगा। इतना बड़ा खर्चा कर दिया तुम्हारे प्यार के चक्कर में, बताओ की बात है ये, तो भाई लाइक कर देना, दोबारा बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर देना, घंटी बजानी बोलना मत। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।